हेलो, कैसे हैं मेरी फैमिली? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे और हेल्दी होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक वीडियो लेके आया हूँ। हालांकि टाइटल आपने देख लिया होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा क्या है। आज का टॉपिक हर किसी के प्रॉब्लम से रिलेटेड है, क्योंकि सबको सबको ये इश्यूज होती हैं कि किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी वजह से सबको हेयर फॉल की दिक्कत आती है। ये देखिए, पहले मेरे जो पहले के टाइम के जो बाल थे ना, वो बहुत मतलब घने थे, और मतलब जितने भी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जितना था, वो सब भरा हुआ था, और अब ये ख़त्म हो गए हैं, मतलब कम हो गए हैं। तो इसीलिए मार्केट में जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि जितना ज़्यादा कोई किसी भी चीज़ की प्रमोशन होती है या लोग एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं, क्योंकि आजकल हमें चीज़ों को पता कैसे चलता है? एडवर्टीजमेंट से, टीवी में, यूट्यूब में, अखबार में। तो वहीं से आजकल का सबसे हॉट ऑयल ट्रीटमेंट जो हमारे हेयर्स के लिए चल रहा है, वो है आदिवासी हेयर ऑयल। ये आदिवासी हेयर ऑयल है, ये मैंने परचेज़ किया है। अब इसके अंदर में एक प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब के अंदर में इतने इतने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, मैं कहूँगा, वो लोग जा रहे हैं कर्नाटका, उनको इनवाइट किया जा रहा है कि आप लोग हमारा जो प्रमोशन करें। उनको पता नहीं पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आई डोंट नो कि जो भी है उनका, खैर मुझे उससे कोई लेने देना नहीं है। मुझे तो अपने बाल बचाने हैं, जो ये मेरे बाल जो है ना, प्यारे प्यारे बाल, ये मेरे ख़त्म हो रहे हैं। अब देखिए कितने कम हो गए हैं। हालांकि आज जो है, मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऑयल को यूज़ करने से पहले अपने बाल थोड़े छोटे कर लूँ, और उसके बाद मैं ये ऑयल यूज़ करूँ। तो फ़िलहाल मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, और जल्दी से हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, और अनबॉक्सिंग करके अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर में क्या चीज़ें हैं, और फिर ऑयल लगाते हुए और दिखाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। हमने ले लिया है सीज़र, और यहाँ पे हमारा जो है कट करने का निशान आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको जल्दी से कट कर लेते हैं। एक्चुअली ये ऑयल जो है ना, मैं बहुत पहले मेरे पास आ चुका था, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ टाइम जो है, मुझे इसमें मैं इसकी वीडियो नहीं बना पा रहा था, और इसकी वजह से काफ़ी जिसको कहते हैं ना, लेट हो गया। और मैंने अपना तेल भी सर पे ना मतलब लगाया नहीं मैंने, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं इसी को यूज़ करना चाह रहा था। कुछ अजीब तरीके की पैकिंग है ये। एनीवेज मैं इसको फाड़ ही देता हूँ, ठीक है? ये फाड़ दिया और ये बॉटल आ गया। और अब ये देखिए, इसके अंदर से मैं निकाल रहा हूँ ये आदिवासी हेयर ऑयल। ये देखिए, ये है आदिवासी हेयर ऑयल। फिलहाल बॉटल की हालत जो है वो पिचक गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये रखा हुआ है और ट्रांसपोर्ट में आता है, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर में जो है ये पटका पटकी होता है, तो इस वजह से इसकी पोजीशन जो है ये दब गई है। तो अब इसके अंदर में, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है आदिवासी सुदेश हर्बल हेयर ऑयल, और इसके अंदर में और ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। और इसमें हम देखें कुछ इसमें दिख रहा है कि नहीं, बहुत ही नॉर्मल सा तेल मुझे इसमें नज़र आ रहा है, और मैं इसे लाइट में देख रहा हूँ इसको ऐसे शेक करके, कि इसमें मुझे अंदर कुछ 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 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, लेकिन जड़ी बूटी नहीं है। मतलब मुझे पता नहीं, अभी फ़िलहाल मैं कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है? तो अब मैं इसको एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ कि इसमें एक्चुअली कैसे यूज़ करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो मैंने इसको जो है पढ़ लिया है, इसमें यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर और कंपनी का नाम और एड्रेस मेंशन किया हुआ है,
फिलहाल आप पॉज करके देख सकते हैं इसमें इसका नंबर क्या है, लेकिन फिलहाल जब तक मैं इसको यूज़ ना कर लूँ और इसका इफ़ेक्ट ना देख लूँ, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि इन नंबरों में आप कॉल करो। सेकेंडली, जो लोग जो चीज़ हम लोग रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं इसमें, कि इसमें 108 तरह की जड़ी बूटियाँ इसमें डाल के बनाया गया है, पकाया गया है, क्या है, तो इसके अंदर में 108 तरह का जड़ी बूटियाँ कहीं पर भी मेंशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं दिखा रहे, सिंपल और सिंपल इनकी फ़ोटो है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये आदिवासी हेयर ऑयल है, लेकिन इनकी जो वेबसाइट है इसमें इनका इस इनका नाम लिखा हुआ है, इनका नाम जो है सुदेश नाम है इनका। और इस नाम से जो है ये इनकी वेबसाइट चल रही है। और एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि आदिवासी हेयर ऑयल के नाम से कई सारी कंपनीज़ हैं। कैसे कंपनीज़ हैं, वो ऐसी हैं कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, किसी ने कुछ बनाया, वो सक्सेस हो गया, तो क्या होता है उसके नाम को लेके या उस प्रोडक्ट को लेके दूसरे लोग कंपटीशन में उतर जाते हैं कि यार अगर वो बेच रहा है तो मैं क्यों नहीं बेच सकता, मैं भी बेचूंगा। तो वो भी उसी चीज़ का हो सकता है, वो उनके प्रोडक्ट, उनका जो भी हर्ब्स वो यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा होगा, बढ़िया होगा, तो वो उसको लगा के और वो यूज़ करना, मतलब मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देते हैं उसी नाम से, आदिवासी के नाम से। और क्योंकि मैं जितने भी YouTube देखता हूँ, जितने भी लोग देखता हूँ, हर एक एडवर्टीजमेंट के अंदर में अलग अलग शक्लें नज़र आती हैं, अलग अलग नंबर्स नज़र आते हैं, अलग अलग लोग नज़र आते हैं, जो जिसको अप्रोच करता है सेलिब्रिटीज़ को वो उनके पास चला जाता है। मैं किसी भी सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे हैं, फिल्म स्टार्स भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे हैं जो सब वहाँ जा रहे हैं। हो सकता है उनको इनविटेशन दिया गया हो सकता है उनको प्रमोशन के लिए उनको बुलाया गया हो, कुछ भी है, लेकिन आम पब्लिक को क्या चाहिए, आम पब्लिक को चाहिए रिजल्ट, कि अगर मेरा हेयर फॉल हो रहा है, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसका इलाज करूंगा, कैसे करूंगा, ऑयल लगा के। पहले पुराने टाइम के अंदर में क्या, नाना दादा दादी ओल्डन डेज में क्या होता था, सब सरसों का तेल लगाते थे और नारियल का तेल लगाते थे, और वही लगा लगा के कोई गर्म कोई ठंडा कोई कुछ ऐसा करके रेगुलर बेसिस पे तेल लगाते थे, और वो ऑयल जो है वो उस टाइम पे सब ओरिजिनल होता था, घर पे बनता था, कोई भी केमिकल बेस्ड नहीं होता था, तो इसीलिए सबको जो है ना वो सूट करता था, कोई किसी को स्किन प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आजकल हर एक चीज़ के अंदर में केमिकल यूज़ होने लग गया है, और सबसे ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है आपके जेल में, क्योंकि ज़्यादातर जित लोग यंगस्टर्स जो भी हैं किसी पार्टीज वगैरह में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जेल लगाया और कहीं कभी यू स्पाइक्स बना लिए, कभी यू सामने खड़ा कर दिया ऐसे करके, बाल यू खड़े कर दिए, पीछे छोटे कर दिए, मतलब अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बना रहे हैं अपने बालों के साथ में। अब जो भी है, खैर एनीवेज, फ़िलहाल मैंने ये बॉटल ख़रीदी है, और ये भी मैंने एक यूट्यूबर के ही वीडियो को देख के परचेज़ किया है, लेकिन उनकी एडवर्टीज़मेंट वाली में से नहीं कराया, मैंने चैनल में जाकर जिस यूट्यूबर से मैंने ख़रीदा है उसके चैनल में जाके उसकी वीडियो के अंदर से जो उसने पर्सनली अपनी वीडियो में शेयर किया है कि ये नंबर है जहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, मैं उस नंबर को लेके मैंने वहाँ पे ये ऑर्डर किया और फिर ये मेरे पास में आया। अब इसके अंदर में कंडीशन क्या है कि आपको ये रात को लगाना है, आप जैसे जब भी ऑयल लगा रहे हैं पहले आप अपने अच्छी तरह से बालों को, स्कैल्प को आप वॉश कर लीजिए ताकि जितनी भी धूल मिट्टी है वो वहाँ से निकल जाए, डस्ट है वो निकल जाए, उसके बाद में क्लीन स्कैल्प के अंदर में आप ये ऑयल अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद में ये अप्लाई आपको करना है रात को, और पूरी रात जो है ये ऑयल आपके स्कैल्प पे रहेगा, और फिर मॉर्निंग में जब आप नहाने जाएंगे रेगुलर बेसिस पे आप अपना नहा लीजिए, हेड वॉश कर लीजिए, और उसके बाद में अपने रेगुलर काम में निकल जाइए। लेकिन एक चीज़ इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, हालांकि इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे हम अपनी बॉडी का एक्सरसाइज करते हैं उसी तरह हमें अपने बालों का भी एक्सरसाइज करना चाहिए। और बालों का एक्सरसाइज कैसे होगा, बालों का एक्सरसाइज होता है कोमिंग करने से। जितनी बार आप कोम करेंगे उतना जो है हमारे बालों का एक्सरसाइज होगा, और उस एक्सरसाइज से क्या होता है कि हम जब कोम करते हैं ना तो यूँ ऐसे ब्रिसल्स चलते हैं, यूँ करके ब्रिसल्स जो है हमारे स्कैल्प पे लगता है, तो वो क्या करता है, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे स्किन में जो उसके कोम की जो ब्रिसल्स होती हैं वो जब यहाँ से रगड़ खाता है तो वो हमारे इसको एक्टिवेट करता है, जो हमारे सर में जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है, नर्व्स हैं, मसल्स हैं, उनको एक्टिवेट करता है, और उससे ब्लड फ्लो बढ़ता है जिससे कि हमारे बाल मजबूत होते हैं।
लेकिन क्योंकि आजकल सब मतलब ये सारी चीज़ें बंद हो गई है, क्या करते हैं आजकल सब यूं 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 ये, और ये आपका बाल तैयार विदाउट एनी कॉम और आप रेडी टू मूव। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप मेरी ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो फटाफट मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस ऑयल का जो है आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों को डिटेल्स देता रहूँगा, तो इसलिए कोई भी चीज़ आप लोगों से मिस ना हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो बस अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, यहीं पे उसको बस और थोड़ा सा बात बता के मैं इसको बंद कर दूँगा। तो अब बात आ जाती है ये कि हमें जिस तरह हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है, सेम उसी तरह हमारे को अपने बालों को भी ध्यान रखना है। और जब हम बालों को अप्ला सॉरी जब हम ऑयल को अप्लाई करते हैं तो साथ में हमारे को हल्के हालांकि इसमें लिखा है कि आप ऑयल अप्लाई जो करेंगे आप इसकी जड़ों में मतलब बालों की जड़ों में ऐसे अंदर अंदर आपको ऑयल देना है। हम ज़्यादातर क्या होता है, यूँ हाथ में लिया और यूँ ऊपर 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 लगाया और हमने छोड़ दिया, तो ये नहीं होगा। अगर ऐसे करते हैं तो आपके जो इसकी जो भी इसका वो है बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको ऑयल जो है बिल्कुल अंदर स्कैल्प में यहाँ और यहाँ इस जगह पे आपको लगाना है, ठीक है? तो ये चीज़ आप करना। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ बॉटल को, इसको मैंने खोला और इसकी स्मेल जो है ना बहुत ही अजीब सी स्मेल है। होपफुली जो जड़ी बूटी इसमें है उसी की स्मेल होगी, क्योंकि कोई बहुत अच्छी अच्छी स्मेल नहीं है, खुशबू नहीं है। बट आशा करता हूँ कि ये ओरिजिनल हो, मैं ये आशा कर रहा हूँ कि ये ओरिजिनल हो और इसको मैं यूज़ करता हूँ। जेंट्स के लिए ये एक बॉटल प्रिस्क्राइब किया है इन लोगों ने कि एक बॉटल जेंट्स को लगाना है 3 महीने के लिए, और लेडीज़ को क्योंकि उनके बाल बड़े होते हैं भारी होते हैं तो उनको 2 बॉटल लगानी है यानी कि 6 महीने के लिए, और उसके बाद में उनको रिजल्ट आएगा। लेकिन लेकिन मैं मुझे ये लग रहा है कि ये एक बार में रिजल्ट नहीं आएगा, एक बॉटल या 2 बॉटल लगा के कुछ टाइम के लिए शायद कंटिन्यू करना पड़े। तो इसीलिए जब तक हमारा प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं हो जाता आई थिंक कि आपको ये लगाना चाहिए। ये सिर्फ 1-2 बॉटल 3 बॉटल करने से हमारे को रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल मैं इसको लगाता हूँ अपने बालों में, और फिर आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि इसमें से कितना फ़र्क कैसा लगा। और अगर आप लोग ये परचेज़ करना चाहते हैं, ये मैंने जो परचेज़ किया है ये इसका प्राइस आया है 1500 रुपये का, ये एक बॉटल, ये तकरीबन आधा लीटर का बॉटल है, ये आधा लीटर का बॉटल है। और हाँ, और एक चीज़ जो जो आपको ऑनलाइन कोई बेच रहा है 500 के 2 बॉटल वो बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, वो फेक ऑयल है, वो ओरिजिनल ऑयल नहीं है। तो इसका आप ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा कि फेक ऑयल मत खरीदिए। अगर आपने ख़रीद लिया है तो उसको यूज़ मत करिएगा, क्योंकि शायद वो कोई केमिकल बेस ऐसे ही कोई नॉर्मल कुछ होगा। बट क्योंकि ये बहुत स्कैम चल रहा है इसलिए बहुत सोच समझ के ध्यान से सही जगह से खरीदिए, ताकि आपको जेन्युइन चीज़ मिले और जेन्युइन आप उसको यूज़ कर सकें। इस बॉटल में अभी अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करा, पता नहीं आपको नज़र आएगा कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे ये हल्का सा जो है इंग्रेविंग टाइप सा किया हुआ है, ये इनका ये नाम लिखा है आदिवासी आदिवासी लिखा हुआ है इस बॉटल में। तो खैर ऐसे तो बॉटल बहुत सारे बन जाते हैं। तो बस आज की वीडियो इतनी ही, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला होगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, इंटरेस्टिंग सी वीडियो में जो कि रिलेटेड टू आदिवासी ऑयल होगा, बहुत जल्द आएगा। पहले मैं इसको लगाऊँ यूज़ करूँ, उसके बाद मैं आपसे आप लोगों से बात करूँगा। और फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताइए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, अपने क्वेश्चंस दीजिए, जो भी आप क्वेश्चंस देंगे उसका मैं जवाब आपको एज सुन एज पॉसिबल देने की कोशिश करूँगा, लेकिन दूंगा मैं ज़रूर, डेफिनेटली दूंगा। इसलिए कमेंट लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, डेफिनेटली आप कमेंट लिखिएगा, ठीक है? और ये चैनल आप सब के लिए है, आप सब मेरी फैमिली है, आपको फ्रीली कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए अगर पूछना है यू आर फ्री टू आस्क एंड आई एम रेडी टू आंसर, ठीक है? सो टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा।